ये आइडियल ग्राउंड में ये प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारे साथ लाइव, और जावेद अहमद साहब हमारे साथ हैं। यहाँ हम कई लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है और उन्हें कितना मज़ा आ रहा है। अभी हम साथ में जावेद साहब के साथ चल रहे हैं। ये हमारे विशाल जैन जी हैं जो कल्चरल प्रोग्राम के सेक्रेटरी हैं, और इनके और भी हमारे बीएस के जरिए पंकज शर्मा जी हैं, इनके सब ये सहयोग थी, ये इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं विशाल जैन जी से कहूँगा कि दो शब्द बोले। विशाल जी कैसा लग रहा है ये आज फिल्म पार्टी है आइडियल टावर में? ये पार्टी ऐसा भाईचारा जोड़ रहा है हम लोगों के बीच कि मतलब कुछ कहना ही नहीं है इसमें। पूरे एकदम दोस्तों यारों के बीच में है, महफिल के साथ में है, महफिल जमी हुई है, गाने बज रहे हैं, और ऐसा क्या मतलब समा है, बहुत सुंदर समा है। पंकज जी, ये पंकज शर्मा जी से बोलेंगे, दो शब्द बोलें। यहाँ आके भाईचारा का पता चलता है, यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान, सबसे पहले हम इंसान, और जो है भाईचारा का यहाँ पे आप देख सकते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन आइडियल परिवार में भाईचारा बहुत है भैया। यहाँ पे सभी मिलके जुल के रहते हैं, और ईद हो चाहे दिवाली हो, सभी एक दूसरे से मिलके बनाते हैं। तो आज ईद के अवसर पर आप क्या कहेंगे? सभी भाई लोग को ईद मुबारक, और आप लोग को भी ईद मुबारक। मेरा विक्रम पेड़ीवाल बी ब्लॉक है, मैं वहाँ पे जैसे ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो जावेद जी जितनी बार भी मिलते हैं बहुत ही एकदम मतलब खुशी से स्वागत करते हैं, और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो पर्सनली इनवाइट भी किए थे कि भैया आप जरूर आइएगा। बहुत ही आनंद आया यहाँ पे मिल करके सबसे, एकदम एक तरह का पूरा हिंदुस्तान ही हमारे यहाँ पे है आइडल में। बहुत बढ़िया, बहुत खुआ है। ये हमारे जमशेद भाई हैं जो 6A में रहते हैं, ब्लॉक A में। इनसे अपने अपने हाँ आइडियल ग्रांड का ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कुछ दो शब्द बोलिए। भाई हम तो चाहेंगे जो आइडियल ग्रांड है इससे जितने हावड़ा में हम लोग से सीखें कि हम लोग क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख ईसाई हम लोग सब एक हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यही भारत की ही खूबी है, भारत की ही पहचान है। अब सुनील, हाँ अब ये ऐसा है कि ये प्रोग्राम में सब लोगों ने, ये हमारे साथ जो सुनील भाई सुनील अग्रवाल हैं, और ये कुछ दोस्त सब बोलेंगे, ये भी हमारे इसके यहाँ के ब्लॉक के BR हैं। लीजिए बोलिए। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज के ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और आइडियल के लिए ये एक प्रगतिशील स्टेप है। हाँ, अब आपके सामने सितारे भाई, ये जो यहाँ पे जो ईद मिलन किया गया है इसके बारे में कैसा लगा, कैसे ये फील हुआ, ये किस तरीके से हम लोगों ने इसको जोड़ के इकट्ठा किया, इसके बारे में दो शब्द बोले। हेलो, आज जो ये ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ आइडियल ग्रांड में, ये हम लोग का आइडियल परिवार के लोगों को और आइडियल सोशल ग्रुप के सब लोगों ने मिलके, सब लोग हर्षोल्लास के साथ आए, सब लोगों ने खूब खाया। इसमें हमारे आइडियल सोशल ग्रुप के कोर कमेटी के तमाम टीमों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें हमारे टीम में जावेद मल्लिक साहब, जावेद मास्टर साहब, परवेज़ भाई, आप परवेज़ भाई, सितारे भाई, मैं खुद, और हमारे वकील साहब, और ए ब्लॉक से हमारे वकील साहब इरशाद याकूब साहब, और बी ब्लॉक से फरमान, सी ब्लॉक से हमारे हाँ इसमें प्रोग्राम में तमाम लोग शामिल थे। इसमें हमारे बाबुल सुपुरियोदा भी आए, वो भी इंजॉय किए, हमारे IPS अर्जुन जी भी आए, वो भी इंजॉय किए, हमारी जज साहिबा हैं वो भी आई, वो भी इंजॉय किए, नजम सर साहब, तमाम परिवार के लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला, इसको कामयाब बनाए, हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तारीफ है, मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम के मैं दो शब्द जावेद मलिक साहब कहें। ये आइडियल ग्राउंड में ये प्रोग्राम पहली बार हुआ है, और यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर जात हर मज़हब के लोग हैं, और ये प्रोग्राम तो एक मज़हब का नहीं है बल्कि तमाम लोग जो भी आइडियल परिवार के इसको मना रहे हैं, और ईद मिलन का नाम इसको हमने दिया है, और एक कौमी यकजहती का एक पैगाम हमने यहाँ से दिया है, यहाँ से पूरे देश को एक पैगाम दिया है। इसमें बाबुल सुप्रियो जो MLA हैं, साबिक वजीर जो हैं वो अभी तृणमूल से अभी वो जीते हैं, हाँ MLA हैं वो थे हमारे, और हमारे एक कमिश्नर जो हैं
IPS ऑफिसर भी हमारे यहाँ हैं, हाँ एक हमारे यहाँ जज हैं वो भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं, सब यही रहते हैं, हाँ वो भी आए थे, MLA साहब भी आए थे और एक जज साहब हैं वो भी हैं। खाने पीने में पूरा वेजिटेरियन था ये, ताकि सब लोग इसको बगैर किसी का इंजॉय कर सकें, गाने का भी इंतजाम था कि लोग इंजॉय कर सकें, और इसमें हम समझते हैं कि बच्चे बूढ़े जवान तमाम तरह के लोग आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। सिर्फ आइडियल के नहीं, हम लोगों ने एक शर्त रखा था कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं कि बाहर के लोगों को नहीं बुलाएं, ताकि ये पहला प्रोग्राम अंदाज़ा लगा सके हम लोग ये प्रोग्राम कहाँ तक जा सकता है। तो हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब हम प्रोग्राम माशाल्लाह काफ़ी कामयाब हो गया, ठीक है ना। तो नहीं नहीं कोई भी नहीं, जो यहाँ रह रहे हैं जो रेसिडेंट्स मेंबर हैं सिर्फ वही थे, हाँ। और ये पार्टी कब तक चलेगी? बस अब 11 बजे तक इंशाल्लाह ये खत्म, अब अपने ख़त्म इस पर है, इख्तराम पे चल रहा है मामला ये, ठीक ठीक शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। तो ये जावेद साहब हमारे साथ बोलते रहे, हाँ बोल रहे हैं कि वाकई हमारे साथ जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सब, हमारे दरमियान सब बहुत सारे जो इसके ब्लॉक के डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मैं बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा। मैं टीवी के हवाले से दो शब्द उनके बोले, आप उनसे कुछ लाल बाबू चौरसिया जी भाई, भारत में कहते हैं ना विभिन्नता में ही एकता है, तो ये एक मिनी इंडिया हमारा, इंडिया का एक दूसरा रूपांतरण है, मिरर है बिल्कुल, जहाँ पे सभी लोग अलग अलग धर्म से है बट सबको एक साथ मिल करके रहते हैं, एक साथ चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आज ईद का माहौल है, सभी सबको आए हैं, सभी ने एंजॉय किया इस चीज़ को, सभी को ईद मुबारक हो तहे दिल से, थैंक यू। मैं लाल बाबू चौरसिया, बहुत एनर्जेटिक नवजीत सिंह साहब, अरे इतने एनर्जेटिक हैं कि किसी मामले में अगर ना नहीं बोलते हैं, कोई ये मामला अगर आइडिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो ये कहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि दो सब ये, हाँ ए ब्लॉक के हमारे हीरो हैं और ए ब्लॉक के बहुत हीरो हैं, हम भी एक ही यही ब्लॉक में, हमसे बड़ा हीरो नहीं है। आइए दो सब दो शब्द बोलें आप। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि हमारा आइडियल अनेकता में एकता है, बस जय हिंद। आइए मुशर्रफ भाई, आइए आइए, हमारे मुशर्रफ भाई ये सी ब्लॉक में रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो दिलजमाई के साथ सब परिवार हम लोगों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, और एकदम छोटा से छोटा बड़ा से काम के लिए घबराते नहीं हैं, एकदम बिल्कुल उसमें अपने जिस तरीके से हो सकता है मदद करते हैं। मैं उनसे, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम जावेद अहमद साहब के गाइड में पूरा हम लोग वहाँ पूरा चला है, और हम लोग जसवाल जी हैं आइडियल प्रोग्राम में, कोई भी किसी किस्म का अगर परिवार की तरफ से कोई प्रोग्राम होता है तो एकदम बिल्कुल दिल खोल के से साथ देते हैं। मैं प्रमोद जसवाल आइडियल ग्रंथ परिवार की तरफ से मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम हम लोग ने सबको मिल के किया, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसमें सब लोग आए, ईद का प्रोग्राम हम लोग बहुत अच्छे तरह से मनाए, शुक्रिया धन्यवाद। जनाब इरशाद याकूब साहब जो खुद वकील हैं, इनकी मोहतरमा जो है जज है, मैं उनसे कहूँगा कि इस प्रोग्राम के दो सब बोले। माशाल्लाह ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस रहा, यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया कि हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भाई हैं, यानी हम लोग एक प्लेट में खाएं, इसलिए टोटली वेजिटेरियन हम लोगों ने रखा, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर भी है और एक यहाँ पे ईद मिलन का भी पार्टी चल रहा है, तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए जो आजकल जिस तरह का घटना सुनने को मिलता है, तो हम लोग बहुत इंजॉय किए हिंदू मुस्लिम सब भाई हम लोग, शुक्रिया। सबसे पहले ये एक मैसेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया को या जो भी इस वीडियोस को देखेंगे, कि लोग अक्सर मिस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो क्या सोचता होगा और ये क्या सोचता होगा, वो कम्युनिटी अलग है ये कम्युनिटी अलग है, तो ये एक आपका एक बोल सकते हैं कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, देखिए भाई दो कम्युनिटी मिलके कितने अच्छे से रह सकती है, उनको नॉनवेज नहीं खाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉनवेज नहीं बनाएंगे, उनको प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ हो जाए खाना, जो भी उनके मतलब रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनके तरीकों को ध्यान में रखते हुए हमने गेट टुगेदर अरेंज किया है, जहाँ पे सब खुशी खुशी मिलके अच्छे से रहे, हालांकि हमने टारगेट लिया था कि 500-600 लोग, लेकिन लोग उससे भी ज़्यादा एक्सेस हो गए, तो इस बात से हमको गम नहीं, इस बात से हमको खुशी है कि लोग इतने ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे वेलकम कर रहे, मतलब अगर हम किसी को बुला रहे तो वो आ रहे, अक्सर लोग बुलाना ही नहीं चाहते, अगर आप बुलाएंगे इन्वाइट करेंगे किसी को तो वो ज़रूर आएंगे,
बस एक बार इनवाइट करके दो। देखिए तो आपने देखा यहाँ ये सारा प्रोग्राम आइडियल टावर में चल रहा है, ईद मिलन पार्टी है और इसमें MLA बाबुल सुप्रियो भी आए हुए थे और वो किसी वजह से अभी चले गए हैं। और आप देख सकते हैं ये सारा ये आइडियल टावर का हिस्सा है, जावेद अहमद साहब इसमें पेश पेश है और उनके ही बदौलत ये कहा जा सकता है कि ये सारा प्रोग्राम हुआ है। और हमारे ब्लॉक के राकेश जसवाल जी आइए आइए। नमस्कार जावेद साहब, हमारे आइडियल के जान हैं और इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। और इनके साथ और भी सारे जितने भी अपने आइडियल वासी हैं सब ने पूरा सहयोग किया है और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जावेद साहब का और सबका। और अपने यहां पर एक भाभी जी आ रही हैं, भाभी जी प्लीज कार्यक्रम के बारे में सरोगी जी कुछ बताइए विस्तार से। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जावेद साहब हमारे आइडियल ब्लॉक के जाने माने बहुत ही परिचित शख्स हैं और जो इन्होंने आज ये प्रोग्राम हम लोग को ये कराया है किया है जितना इनके मेहनत है ये फुल सक्सेसफुल है। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे मन में कहीं भी कोई किंतु परंतु हेजिटेशन जो था आज पूरा क्लियर हो गया, पूरी तरह से मिट गया है। आज हम सब समझ लीजिए एक हो गए। आज बाबुल सुप्रियो दास चूँकि आज MLA बालीगंज से चुने गए हैं लेकिन वो किसी काम से चले गए, आए थे हमारे के प्रोग्राम में लेकिन उनकी मिसेज रचना शर्मा उनके साथ है तो उन बिहार में उनके बिहार में ये कुछ बोलेंगी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दो सब इस प्रोग्राम के बारे में और हमारे बाबुल सुप्रियो जी के बारे में उन्होंने किया उनके बारे में बोलेंगे। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हुआ, बहुत अच्छा लगा सबको नीचे आके, इतना अच्छा गेट टुगेदर हुआ, इतना स्वादिष्ट खाना था, बहुत मज़ा आया। अभी एक महीने में इतने सारे इफ्तार पार्टी और इतने ईद पार्टी किया है, अभी वेट लूज करने का भी टाइम आ गया, अब दौड़ना पड़ेगा पर बहुत अच्छा लगा। और इतनी अच्छी बारिश भी होने लगी तो सबको एकदम इतने गर्मी के बीच में सबको सुकून मिला तो बहुत अच्छा लगा। और बाबुल दा भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। आज थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट था, कहीं पे मीटिंग थी वहाँ पे जाना पड़ा पर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि उनके बिहार पे उन्होंने कुछ कहा। अच्छा हुआ कि आप मिल गई, वरना वो जा रहे थे आपके घर जनता टीवी की तरफ से आपको इंटरव्यू लेने और बात ये था कि आपको जरूर आप नहीं है तो क्या वो आप दे दी, मैं उनका बाद में इंटरव्यू लेके यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा भाभी जी भाभी आइए 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 आइए। राकेश जसवाल जी कि ये हैं, वाइफ हैं और बहुत कॉर्डियल हैं, हर साल के साथ ही करती हैं। मैं इनसे कहूँगा दो सब इसके प्रोग्राम के बारे में उन्होंने क्या क्या प्यार, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, बस वही बहुत है। यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और बहुत अच्छा है हम लोग का सोसाइटी, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और सब बहुत दिल से इनवाइट किए हम लोग को, बहुत दिल से खातिरदारी की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। प्रोग्राम अच्छा होने की वजह है कि ये लोग आ गए तो प्रोग्राम अच्छा होगा, आप लोग नहीं आती तो अच्छा नहीं होता। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई ये हमारे क्लब के, आइए ये हमारे रॉयल क्लब कम्युनिटी के हॉल के मैनेजर हैं और उनको भी हम लोग कहा था, हमेशा इतना कॉर्डियल है अपने इस तरीके से इस क्लब को चलाते हैं। मैं उनसे कहूँ कि एक दूसरे इस पार्टी के बारे में बोलूँ। सर ये आइडियल क्लब के जितने लोग हैं जो ऑनर है बहुत हमें प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं और यहाँ मेरे को काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। नाम मेरा नाम राजू है और मैं का नाम बताओ। सर जी जावेद सर जी है, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ में मेरे को ध्यान रखते हैं, बुलाते हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है और थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग हम लोगों को इस प्रोग्राम को इंजॉय किया और इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी एक राय काम की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी और हमारे जावेद अख्तर साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि तो बहुत शुक्रिया जावेद भाई। तो ये थे जावेद साहब, अब हम लोग चलते फिर एक बार ग्राउंड में और यहाँ बाबुल सुप्रियो भी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ शिरकत की थी, वो चले गए लेकिन उनकी मिसेज वो भी यहाँ थी, उनका हम लोगों ने बात किया, जावेद साहब ने उनका इंटरव्यू कराया और ये देख सकते हैं ये गाने का जो यहाँ इंतजाम था वो लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। और परवेज़ भाई सिंगर है, बेहतरीन सिंगर है, इससे पहले भी इन्होंने जनता टीवी के साथ इस बार फिर ये जो ईद मिलन में परवेज़ भाई ने जिस तरीके से इस गाने के प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम को दोबाला, इस प्रोग्राम को मैंने
कामयाब बनाने में इन्होंने अपने गाने के जरिए से इसको दुबला कर दिया, और बहुत ही कोडियल, बहुत ही संजीदा आदमी है, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जो भी कुछ करें हमारे साथ मिलजुल कर करें। मैं इनसे कहूँगा कि इसके बारे में इन्होंने ये जो यहाँ प्रोग्राम हुआ इसमें इनके बारे में इनका इनका क्या राय है, क्या इनका इसके बारे में असर हुआ है, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मास्टर साहब और हम लोग कुछ फ्रेंड मिलकर ये करे हैं। आइडियल ग्रैंड परिवार, हम लोग अलग अलग धर्म का आदमी यहाँ रहते हैं, लेकिन हम लोग सब एक हैं, और ये मैसेज देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं कि हम लोग सब एक हैं, और वही हम लोग ये जो मकसद था, हम लोग सक्सेस हुए, सब आए प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस किए। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने देखा, यहाँ सारे लोग हैं मिलजुल कर आज इस प्रोग्राम को उन्होंने किया है। ये ईद मिलन पार्टी है और इसमें आइडियल ग्रांड के सभी लोग, सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया, और यहाँ खाने का जो सबसे बड़ा इंतज़ाम था वो 24 आइटम इन्होंने, जावेद साहब का कहना है कि 24 आइटम्स को हमने रखा है। और ये देखिए, यहाँ पर एक मंदिर है, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है, यहाँ जो लोग भी रहते हैं और खाने पीने में भी एहतियात बरतते हैं, और ऐसा खाना रखा गया ताकि सभी मिलकर खा सके,